तो ये जो आप बात कर रही है, मतलब भारत में भी ऐसा मतलब कुछ सीन देखने को मिलेगा? भारत देखिए, भारत 24 में भारत का पोजीशन थोड़ा अच्छा रहेगा दूसरा देश से। अच्छा, लेकिन होगा कुछ? हाँ, दरदाम बढ़ेगा, सब होगा, लेकिन जो आपका जो दुर्भिक्ष पड़ेगा अभी 24 में सार चालू हो जाएगा, भारत पे कम होगा। ओके, थोड़ा बहुत कम होगा, विल सर्वाइव। मालिका में लिखा है कि सस्य हानि होगा, सस्य हानि होगा। इस साल का जो सस्य जो जाएंगे जो कल्टिवेशन करेंगे इस साल का, वो नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आ पाएगा। 23 पे अच्छा हुआ सस्य हुआ है, अच्छा उसमें चल जाएगा 24। 24 पे सस्य नहीं होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे मालिका के जो रिसर्चर हैं उनका ये मानना था कि 23 में भी बहुत सारे सस्य हानि होगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। नहीं, 24, 25, 26 लिखा हुआ है, बारिका स्ट्रेट लिखा हुआ है। अच्छा, 24, 25, 26 ये तीनों साल दुर्भिक्ष होगा लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, 23 नहीं लिखा हुआ है। किस कारण होगा, मतलब क्लाइमेट चेंज है या फिर और कुछ? क्लाइमेट चेंज मेन फैक्टर। अच्छा, मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर क्लाइमेट चेंज, कहाँ सूखा हो जाएगा, कहाँ एकदम ठंडा आ जाएगा। आपका ये आपका सस्य को काटने के पहले फ्लड आ जाएगा, खराब खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या बिल्कुल सूखा रहेगा, कुछ होगा नहीं, ऐसे हो के दुर्भिक्ष आता है, दुर्भिक्ष आएगा ऐसा। इससे 24 से वही चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा सब चीज़ें। ओके ओके, बीजेपी में विश्रृंखला आएगा थोड़ा बहुत, कुछ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम ही नहीं बीजेपी। अच्छा अच्छा, विल बी देयर सम एक्शन में भी टेकन अगेंस्ट सम पीपुल दे इनसाइड द पार्टी। अच्छा, कुछ लोग को निकाल सकते हैं, हाँ, पार्टी से कुछ लोग छोड़ के भाग जा सकते हैं, कुछ ऐसा ही कुछ गड़बड़ होगा। जो आप बोल रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो असंतोष दिखाई देगा, वो तो पहले से तो थोड़ा बहुत देखने में आ रहा है। हाँ, और ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, मतलब लोगों तक भी इसका संदेश पहुँचेगा, मतलब आम लोगों तक भी इसका संदेश पहुँचेगा शायद। जी जी जी, कि पार्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सब नेगेटिव चीजें बोल दी, क्या क्या अच्छा, ये सब खराब चीज होगा, नकारात्मक संकेत जो है आपने बता दिए, अब सकारात्मक जाएगी। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आप पुलिन पंडा जी से सुन रहे थे क्या कुछ होने वाला है, युद्ध भी होगा, प्राकृतिक आपदाएं भी होंगे, उसके साथ साथ आंतरिक माहौल जो है वो बिगड़ेगा, और इसके चलते कुछ अच्छाई भी है। आइए नज़र डालते हैं क्या क्या अच्छा ही होगा, क्योंकि मालिका जो है हमेशा मन में एक भय की वातावरण तो सृष्टि नहीं करता है, जबकि मालिका हमेशा, भविष्य मालिका हमेशा समाज को एक सचेतन का वार्ता भी दिया है। आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ अच्छा भी होगा। सारा विश्व में हिंदू सनातन धर्म का जागरण होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सारी कंट्रीज में नॉन हिंदूज, नॉन सनातनीज विल कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू सनातनी। मतलब ऐसे क्या होगा, मतलब देखिए, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है बड़े पैमाने पर, और ये चीज़ें जो है सामने आएगा। देखिए जो अभी क्या, देखिए अभी यूरोपियन कंट्रीज में, पोलैंड से लेके ऑल यूरोपियन कंट्रीज, 60-70% पीपल दे डोंट बिलीव इन गॉड। भगवान कुछ नहीं है, कोई धर्म हमारा नहीं है, वी बिलोंग टू नो रिलीजन। रशिया इज फार बेटर देन देम, रशिया पक्का क्रिश्चियन कंट्री, गॉड का मानते हैं। लेकिन ये जो लोग है पोलैंड जैसा है, आज आपको देखा होगा वो लोग भगवत गीता को अगेंस्ट में, कृष्ण के अगेंस्ट में केस लगा दिया है, श्री कृष्ण के अगेंस्ट में। अभी पोलैंड जाने का टाइम आ गया। अच्छा, रशिया विल अटैक पोलैंड डेफिनेटली। और जब पोलैंड पे अटैक होगा, होगा तब नाटो कंट्री सब मिलके फिर अटैक कर सकते हैं, करें कोई बात नहीं, उस टाइम में इधर दूसरे टाइम में ओपन कर देगा ना। अच्छा, तीन चार फ्रंट, अच्छा कहाँ जाएगा, तीन चार फ्रंट अगर ओपन कर जाएगा तो अमेरिका यूक्रेन को छोड़ देंगे ये लोग, जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, यूक्रेन को छोड़ देंगे भाई, यूक्रेन कर नहीं पाएंगे। नहीं, जैसे आप दूसरे वीडियो पे भी आप बोल रहे थे कि यूक्रेन जो है ऐसा भी समय आएगा विश्व मानचित्र से बिल्कुल मिट जाएगा। यस, इन 25 विल नॉट फाइंड द नेम ऑफ अ कंट्री यूक्रेन। अच्छा, आज मैं बोल देता हूँ 25 में 25. ये आप इतने दबाव के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए, सपोज
ड्यू टू बैड लक। अच्छा होल्ड ऑफ द वर्ल्ड चाइना अटैक ताइवान, रशिया अटैक जापान, साउथ कोरिया अटैक नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान अटैक इंडिया, चाइना अटैक इंडिया, ये सब वो खुल गया। अमेरिका डिफरेंट कंट्रीज किस घर जाएंगे भैया, किसको साहय करेंगे? यूक्रेन को, खुद नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो, नहीं छोड़ देंगे भाई, जो कर दिया कर दिया, और नहीं होगा, और हम उसको सपोर्ट और नहीं होगा। अपने को बताना है पहले, फिर आपको। अभी पोलैंड दे रहा है हेल्प, दे रहा है, और दो तीन फ्रंट खुल जाएगा तो अमेरिका भी मुसीबत में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा अमेरिका, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो दो पार्टी के बीच में लड़ाई होगा ना, चुप रहेगा वो, चुप रहेगा, नहीं तो उसके ऊपर आ जाएगा। एंड हियर टू हियर मैंने हियर टू हेल्प एज इट इज टू मैन हेल्प ताइवान एंड जापान, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ऑल्सो साउथ कोरिया। कहाँ जाएंगे वो, इसको सहाय करेंगे? इसराइल इज देयर ऑलरेडी, क्लोज फ्रेंड ऑफ अमेरिका, इसको सहाय करेगा वो? सही बात है, तो यूक्रेन छोड़ देंगे, यूक्रेन कला पड़ जाए तो रशिया खा लेगा उसको। हेल्प करने का मतलब यही है कि मुसीबत को अपने और खींचो, रशिया खा लेगा ना उसको फटक से। सही बात है, अभी तक कोई सिचुएशन आया नहीं, नहीं और दो महीना भी नहीं आएगा, नहीं उसके बाद आएगा। जैसे बता रहे हैं कि मतलब ऐसा भी एक बहुत बढ़िया समय आ रहा है कि जो सनातन धर्म जो है सब अपनाएंगे। सनातन धर्म क्या है कि उसमें देखिए आपका जो जो लोग हैं उन लोगों के मन में जागरण आएगा कि अपना धर्म जो बोलता है वो ठीक नहीं है। अच्छा, स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, इवन आई विल टेल यू दैट इन पाकिस्तान विल फाइंड सम कन्वर्सन ऑफ मुस्लिम इन टू हिंदुइज्म इन 2024। अच्छा, ये भी होगा? ये भी होगा। ओके ओके जी, तो हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा होगा बोल के, नहीं होगा तो भाई आप गाली बोल दूंगा। सेकेंड थिंग, भारत और नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनने के लिए आंदोलन होगा। अच्छा, तो सिलसिला चालू हो गया है, वो प्रचंड रूप धारण करेगा, बड़ा रूप लेगा वो, बड़ा रूप ले लेगा वो। सामरिक सामग्री डिफेंस, ये वेपन्स, डिफेंस वेपन्स पहले हो तो जो हो सब मिला के, जैसे आपका ये वार वेसल्स हो गया, सबमरीन हो गया, सब मिला के, औषध मेडिसिन और आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अच्छा, इंडस्ट्रियल दैट टू ओनली फॉर डिफेंस, डिफेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ऊपर जाएगा इंडिया। अच्छा, तो फिर इस पे जो है भारत बिल्कुल फोकस करेगा, बिल्कुल फोकस करेगा। अच्छा, और लकीली अगर अप टू 27 तक कोई अटैक नहीं हुआ इन जगह पर, उसके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा पाएगा इन जगह पर। तो आपका ये मानना है कि अगर लकीली 2027 तक अगर कोई वार सिचुएशन भारत फेस नहीं किया तो भारत इतना पावरफुल हो जाएगा तो कि कोई भी इसको इंडिया को आंख उठाकर देखने की हिम्मत yes, नहीं रखेगा। राइट right. अच्छा, बहुत बड़ी बात है, भगवान की उसका ये लीला है वही होकर रहेगा। सही बात है, बहुत सारे सैटेलाइट इंडिया भेजेगा इस साल बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो मंगल को जाएगा, शुक्र को जाएगा, और सूर्य के पास भी और जाएगा, चंद्र को तीन चार सैटेलाइट जाएगा, और भी जाएगा, और जाएगा चंद्रयान। अच्छा अच्छा, जाएगा इस साल। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर आ जाता हूँ मैं लास्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक सच स्टेप्स, इतना ऐसा कुछ स्टेप लेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके लिए जन असंतोष चालू हो जाएगा 26 से, प्रबल रूप धारण करेगा 26 में। अच्छा, मतलब आपका ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ मतलब स्टेप ले सकता है या फिर ऐसा कुछ संभावना बन रहा है कि मतलब लोगों में जो है असंतोष की वातावरण जो है शुरुआत हो जाएगी और यही जो है गृह युद्ध की ओर भी भारत जा सकता है। थर्ड थिंग, इस साल पहले बार देश का बहुत से जगह में राइट देखेंगे हम लोग, वायलेंस धर्म धर्म के बीच में राइट देखेंगे। अच्छा, तो जैसे भी मालिका में लिखा है कि ऐसा भी समय आ रहा है धर्म धर्म के बीच में आरंभ हो जाएगा युद्ध, जाति जाति के खिलाफ शुरू हो जाएगा युद्ध, गोष्ठी गोष्ठी के खिलाफ शुरू हो जाएगा युद्ध, और
बड़े बड़े देश जो है वो छोटे छोटे देश को अपना निशाना बनाएंगे, ऐसे भी समय आ रहा है। पुलिन बिहारी पंडा का यही मानना है कि ऐसा भी समय आ रहा है कि भारत में जन असंतोष या फिर बहुत बड़ा जो वायलेंस राइट्स वो दिखाई देगा, हिंसा कांड भी दिखाई देगा। 24 की बात कर रहे हैं, बाकी और एक बात बोलना चाहता हूँ जी। 24 में रूलिंग पार्टी का कुछ टॉप लीडर के ऊपर अटैक हो सकता है, रूलिंग पार्टी के कोई टॉप लीडर जो हैं उनके ऊपर एक दो का दो तीन कितना भी है, अच्छा दो तीन लीडर का ऊपर अटैक हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मे बी समटाइम्स समबडी में एक्सपायर ऑल्सो इन दैट, हो मतलब ऐसा भी जो घातक हमला घातक हो सकता है, थोड़ा घातक होगा हमला उसके ऊपर। नहीं हम तो मतलब कौन है बगैर नहीं बोल सकता, ना ना नाम नहीं बोल सकता मैं। अच्छा नाम आपको पता है मतलब? नहीं 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 बोल सकता मैं, नहीं पता है तो बताइए। नहीं 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 क्यों नहीं बताएंगे? नहीं नहीं जानता नहीं, कैसे बता लूँगा, जानता नहीं। आपकी ही मुस्कुराहट सब कुछ। नहीं नहीं बताना ठीक नहीं बता रहा है। ठीक है ठीक है, तो मतलब ऐसा भी कोई एक एक समय आएगा 2024 में तो भाई टॉप बोला तो आपको समझना चाहिए। हाँ टॉप तीन चार लीडर जो बोला है, अच्छा समझना चाहिए वो जो है टारगेट में है और हिट लिस्ट में है, सब जानते हैं कौन टॉप चार तीन चार है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इतना ही है 24 के लिए। हाँ लेकिन लास्ट में प्रार्थना करूँगा प्रभु भक्त को बचा के रखे। भक्त के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? भक्तों को बचाने के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? भक्त के लिए यही है जो हर टाइम में बोल के जा रहा हूँ, दुख आएगा भक्त के लिए, भक्तों के लिए दुख चालू हो जाएगा। मालिका में लिखा हुआ है कि सब भक्त को दुख आएगा, भक्तों को पड़िब कसण, ये मालिका में लिखा है कि भक्तों को पड़िब कसण जो है झेलना पड़ेगा, सब भक्त के लिए दुख आएगा, ओरिजिनल जो भक्त है उनके दुख आएगा, कुछ खो देंगे, कुछ कठिनाइयों का सामना करेंगे, दुख का सामना करना पड़ेगा, उनके ऊपर विपत्ति आएगा। हाँ विपत्ति बहुत आएगा, लेकिन भगवान उनको बचाएंगे। श्योर वो तो है, अच्छा उसमें कुछ दीवाना नहीं, लेकिन मैं भक्त को इतना ही मैं अनुरोध करता हूँ कि दुखों में भी आप खुश रहिए, क्योंकि प्रभु से मिलने का टाइम निकटतर हो रहा है, ऐसा नज़दीक आ रहा है। बिना तपस्या में, बिना तप में, बिना साधना में आप प्रभु को देख सकेंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। तो वही चिंताधारा में आप खुशी हो जाइए, ये दुख सुख क्या है, दिख दुख साल कहाँ चल जाएगा पता भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु के मिलने के बाद जो दुख सुख आएगा उसका आप सोच सकती है। लोग हजार हजार साल तपस्या करके भी नहीं मिलता है, दिख नहीं पाते हैं आपको, बिना तपस्या बिना साधना में आपको वो मिल जाएंगे, तो उसी खुशी में आप रहिए, उसी खुशी में आप प्रभु के बारे में सोचिए, प्रभु के पैर में शरण में रहिए, आपका कुछ नहीं होगा, तो मालिका में भी खुशी मिलेगा आपको। तो मालिका में भी यही लिखा है कि कलयुग में जो प्रभु को पाने का एक ही मार्ग है, नाम जप करो। नाम तपस्या नहीं कर पाएंगे हम लोग, बड़ा मेंटालिटी ठीक नहीं है, तपस्या नहीं कर पाएंगे, इतना कष्ट आएगा तो तपस्या क्या करेगा। हाँ नहीं कर पाएगा ना, तो बस भगवान के नाम लो, नाम ही आपका सब दुख हरण कर लेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर वार्ता, बहुत ही सुंदर संदेश आप पहुँचाए हमारे दर्शकों के लिए, हमारे भक्तों के लिए। तो फिर आप अभी सुन रहे हैं मालिका रिसर्चर कलकिल्ला पुस्तक की रचयिता श्री पुलिन बिहारी पंडा जी को। श्री पुलिन बिहारी पंडा एकदम से बोल गए कि 2024 में क्या क्या कुछ होने वाला है, युद्ध जो है अपने चरम सीमा छुएगा और एक नहीं दो नहीं लगभग 7 फ्रंट जो है खुल जाएंगे युद्ध के दौरान, तब भारत भी मुश्किलों का सामना कर सकता है। खाली इतना ही नहीं, सभी चीज़ों के अंतर्गत पुलिन बिहारी पंडा जी ने ये भी बताया कि सब मतलब विनाश के साथ साथ विकास भी होगा, भारत जो है बिल्कुल मिलिट्री वेपन्स जो है भारत के पास बहुत सारे आ जाएगा और ऐसा समय भी आएगा भारत विश्वगुरु के ओर जो है अग्रसर होगा।
तो इस वीडियो के माध्यम से अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी धार्मिक भावना को आहत करना हमारा ये उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। मालिका हमेशा समाज को एक सचेतन की वार्ता दिया है और यही वार्ता आप तक पहुँचाने के लिए हमारा चैनल प्रयासरत है। कैसा लगा आप आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना मत दीजिए। कहाँ से, किस प्रदेश से और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताइए। अगर भारत की बाहर से आप, कोई फॉरेन कंट्री से आप, विदेश से ये वीडियो देख रहे हैं तो कौन से राष्ट्र से आप देख रहे हैं वो भी लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ। जय पंचखा। जय पंचखा।